दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के नाम का ऐलान हो गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आतिशी के नाम पर मोहर लगा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल किस मास्टर प्लान से, मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं कह रहा हूं, मास्टर प्लान से बीजेपी कैसे निपटेगी, बीजेपी कैसे काउंटर करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आतिशी को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। आपको बता दूं कि आतिशी दिल्ली के अंदर तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आतिशी से पहले सुषमा स्वराज को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, 52 दिनों तक करीब पूरे मुख्यमंत्री के पद पर रह पाई थी। फिर उसके बाद में सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक दिल्ली के असेंबली इतिहास का अगर देखें तो शीला दीक्षित जी के नाम रहा, कांग्रेस के नाम रहा, 15 साल और 25 दिन का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हुए। करीब 9 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे रहे। और उसके बाद में बाकी तमाम अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे मदनलाल खुराना हो, चाहे साहब सिंह वर्मा हो, चाहे दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भरम प्रकाश हो, करीब करीब डेढ़ दो साल के आसपास सबका कार्यकाल रहा, किसी का लंबा कार्यकाल नहीं खींचा। लेकिन दिल्ली की कुर्सी को लेकर के अब भी जद्दोजहद है। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म हो रही थी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया सिगुफा छोड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या वाकई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको आतिशी का नाम लेकर के एक सिगुफा छोड़ने की कोशिश करनी पड़ रही है? मुझे लगता है कि सवाल इससे कहीं दूर है और सवाल इससे कहीं बड़ा है। और किस तरीके से आतिशी के नाम का चयन हुआ, बाकी नाम का चयन क्यों नहीं हो पाया, या बाकी जो चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में बताए जा रहे थे पिछले 3-4 दिनों से लगातार, क्यों वो चेहरे कभी मुख्यमंत्री की रेस में थे ही नहीं, ये बड़ा सवाल है। और आतिशी ने आज जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, वो भी आपको सुनाऊंगा। और अरविंद केजरीवाल आज शाम को 4:30 बजे अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और इस्तीफा सौंपने के साथ साथ नए मुख्यमंत्री के नाम की चिट्ठी जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर होंगे वो भी सौंपने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आतिशी ही क्यों, आखिरकार आतिशी के नाम पर ही मोहर क्यों लगी? महिला मुख्यमंत्री ही देना था तो फिर और कई ऑप्शन थे। एक बड़ा ऑप्शन था कि आप राखी बिड़ला को बना देते। राखी बिड़ला एससी से भी आती हैं, एससी समुदाय से आती हैं, तो आपके पास में एक वोट बैंक और हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। और इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि आतिशी ही एकमात्र ऐसा चेहरा थी जिनके नाम पर मोहर लगनी थी। मैं आपको बताता हूं कि आतिशी को आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाया और बीजेपी के पास में अब क्या काउंटर होगा, उस पर फिर बात करेंगे। आतिशी के पास में आज के वक्त में सबसे ज्यादा मंत्रालय थे। आतिशी के पास सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पर आतिशी रही। आतिशी के नाम पर ही अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी झंडा फहराने को लेकर के। आतिशी अरविंद केजरीवाल के कोर ग्रुप का एक हिस्सा शुरुआत से भी रही और अब भी रही। ये बात अलग है कि वो कालका जी से पहली बार चुनाव जीत करके आई है, लेकिन इस बात पर आप मत जाइए। आतिशी के बजाय अगर राखी बिड़ला को बनाते तो कहीं ना कहीं एक मैसेज अरविंद केजरीवाल ये दे सकते थे कि पहली एससी दलित महिला को जो है वो बनाया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि जो दलितों का वोट है, मुस्लिमों का वोट है या पिछड़ों का वोट है दिल्ली के अंदर, वो तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ, झुग्गी झोपड़ियों में जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा ही जाएगा। दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा वोटर रहा है, सिख वोटर, पंजाबी वोटर, वो वोटर जो है उस पर कांग्रेस ने भी हमेशा जो है वो ध्यान रखा, बीजेपी ने भी ध्यान रखा, मदनलाल खुराना को चाहे बनाया गया हो, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री 15 साल तक रही तो उसमें एक बड़ा योगदान ये था कि शीला दीक्षित वो जो है वो पंजाबी कम्युनिटी के अंदर बहुत पॉपुलर थी और पंजाबी कम्युनिटी का एक तरफा वोट उनको मिलता रहा। और जब जब वो पंजाबी समुदाय के बीच में जाती थी तो पंजाबी खूब बोलती भी थी,
शीला दीक्षित के जब आखिरी का कुछ वक्त उनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री के तौर पर, थोड़ा कार्यकाल जो है मैंने उनका जरूर देखा, शीला दीक्षित जो है वो कभी तुनकती नहीं थी, भड़कती नहीं थी, बहुत सॉफ्ट थी, और इसीलिए शीला दीक्षित के नाम पर सबसे बड़ा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के इतिहास में आज तक दर्ज है, 15 साल 25 दिन का। केजरीवाल बहुत पॉपुलर बने, केजरीवाल पहली बार जब जीत करके आए तो 49 दिन की सरकार रही, 24 विधायक जीत करके आए थे, लेकिन 49 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा AK-49, लेकिन AK-49 ने मोदी पर ऐसा अटैक किया कि बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट करके रह गई। अरविंद केजरीवाल 67 सीटों के साथ में एक ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बने जो न केवल दिल्ली में बल्कि भारत के और दूसरे राज्यों में भी इतने बड़े बहुमत के साथ में कोई और मुख्यमंत्री नहीं बना था, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, शून्य पर आ गई। फिर उसके बाद में दूसरा चुनाव देखे 2020 का, तो 62 सीटें फिर भी आम आदमी पार्टी की आई और बीजेपी 2.5 के आंकड़े में नहीं पहुंच पाई। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, और उससे पहले भी दिल्ली दंगे चुनाव के बाद जरूर हुए थे, लेकिन बहुत कोशिशें पहले भी की गई थी, बहुत बार जो है वो दिल्ली के माहौल को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर आज की तारीख में आकर के देखे 2024 में, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी पार्टी सरकार बनाने के तौर पर आज भी बहुत आगे दिखाई देती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो एक तरीके से ये था कि उनके पास में पावर जो है वो बहुत ज्यादा थी नहीं कि वो जिसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि केजरीवाल के पास में पहले भी कोई विभाग ऐसे नहीं थे जिसको लेकर के केजरीवाल को कोई साइन करने पड़ते हो, किसी विभाग का पर्टिकुलर कोई काम रुक रहा हो। केजरीवाल ने अपने पास में कोई विभाग नहीं रखा, और संभवतः ये अरविंद केजरीवाल जो है वो इस प्रकार अरविंद केजरीवाल के जैसे कम ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो अपने पास में विभाग कम रखें, वरना ज्यादातर मुख्यमंत्री जो है वो बड़े बड़े विभाग अपने पास में रखते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तमाम विभाग दूसरे लोगों को दिए। कुल मिलाकर के ये जो है वो स्थिति है आज की तारीख में भी, केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस से भी आगे है, वो बीजेपी से भी आगे है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो जानते हैं इस बात को कि अगर आम आदमी पार्टी 70 में से अगर वही 40-50 सीटें लेकर के आती है तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ जो है ढीली हो जाएगी, और फिर उनको हटाना, खत्म करना फिर जो है वो आसान काम हो जाएगा। और 10 साल की एक जो है वो सरकार के प्रति एक एंटी इनकमेंसी भी आप कह लीजिए, या फिर जो शराब को लेकर के, तथाकथित शराब घोटाले को लेकर के केजरीवाल की ऊपर चीजें चिपकाई गई, या फिर उनका जो शीश महल को लेकर के जो बातें कही गई उसमें भी केजरीवाल कहीं ना कहीं घिरे हुए थे। अब केजरीवाल को कुछ नयापन चाहिए था, और वो नयापन इसी से आ सकता था कि आप किसी नए चेहरे को लेकर के आए, कोई बड़ा स्टेप, बोल्ड स्टेप ले, और केजरीवाल ने एक बोल्ड स्टेप लिया, अपने इस्तीफे का बोल्ड स्टेप। अब केजरीवाल के पास में या दिल्ली में बीजेपी के पास में दो रास्ते हैं कि या तो वो अब खुद कहें कि हाँ हम चाहते हैं कि अभी चुनाव हो जाए, अक्टूबर के अंदर चुनाव हो जाए, नवंबर में चुनाव हो जाए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस तमाम दल वैसे कह रहे हैं, लेकिन ये होंगे या नहीं होंगे ये चुनाव आयोग बताएगा, और एक महीने के बाद में समय जो है इस पर मोहर लगाने का काम करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक बोल्ड स्टेप लेते हुए अपने आप को दिखाना था, सो उन्होंने वो बोल्ड स्टेप लिया, इस्तीफा देने का बोल्ड स्टेप। और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों चुना, इस पर अगर आप आते हैं तो इस पर देखिए बहुत सारे लोग जो है वो नाम ले रहे थे, हालांकि हमारे ऑफिस में चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा था कि आतिशी जो है उस पर मुख्यमंत्री बनेंगे, वही हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह क्या है। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह यह है कि एक तो जिस तरीके से चंपई सोरेन या फिर हमने देखा कि नीतीश कुमार के साथ में जीतन राम मांझी का जो कॉन्सेप्ट हुआ उसको भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के माइंड में जरूर रहा। हालांकि ये बात अलग है कि जब नीतीश कुमार बने थे, नीतीश कुमार ने मांझी को बनाया था या चंपई सोरेन बने, तो वो दोनों नेता एक तरीके से निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन केजरीवाल निष्क्रिय नहीं होंगे यहां पर।
केजरीवाल के पास में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खतरा था कि अगर किसी और को वो मुख्यमंत्री बना देते तो वो ओवरटेक कर लेते, ऐसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि राजनीति आज के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है आगे के वक्त के लिए सोच करके। और आगे के वक्त के लिए जब सोच करके राजनीति होती है तो फिर उन समीकरण के अंदर आतिशी का नाम फिट बैठ रहा था, क्योंकि ऐसा कोई नाम चाहिए था अरविंद केजरीवाल को जो हमेशा हमेशा के लिए उनका लॉयल रहे। आज अरविंद केजरीवाल को कोई खतरा, बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कल को अगर उनकी सरकार फिर से बनती है, वो इसी साल बने या अगले साल फरवरी 23 फरवरी 2025 तक का कार्यकाल है इनके पास में, तो उसके बाद में बने। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने लिए कोई ऐसा फेस नहीं चाहते थे जो आगे चल करके उनसे आगे खड़ा हो जाए। और अब जो है आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ एक बातें कही हैं, आप सुनिएगा। आतिशी ने कहा है कि मुझे कोई बधाई ना दे, मुझे कोई मुबारकबाद ना दे, ये हमारे लिए दुख का वक्त है। मतलब आतिशी जो है वो एक तरीके से सीएम जरूर बन रही है, लेकिन आतिशी अपने आप को जो है वो केजरीवाल से हमेशा उनके कद से नीचे ही रखेंगी। हालांकि और कोई दूसरा व्यक्ति भी बनता तो वो भी रखता, लेकिन आतिशी को वहां पर रख करके केजरीवाल ने एक तरीके से जो शराब तथाकथित जो शराब घोटाले को लेकर के महिला वोटर में जो बीजेपी ने डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की, उसको दोबारा से कॉम्पैक्ट करने के लिए एक महिला को आपको आगे लाना जरूरी था, और एक ऐसी महिला को आपको आगे लाना जरूरी था जो लगातार आपकी चर्चाओं में थी, और इसीलिए आतिशी के नाम पर मोहर लगी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा, उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक किंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा
कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं, और अपने बेटे अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे हस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। बहरहाल आतिशी यहां पर अरविंद केजरीवाल के नाम पर अपने आप को जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर पेश कर रही है, लेकिन वो यही मान रही है, यही कह रही है कि दिल्ली का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल अब इस्तीफा दे रहे हैं। केजरीवाल का इस्तीफा वो बड़ा जो है वो बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर जो है वो निकल करके ये सामने आएगी और उसमें कुछ वक्त लगेगा कि केजरीवाल के इस स्टेप से इस्तीफा दे करके आतिशी को बनाना
इस स्टेप से केजरीवाल को कितना बेनिफिट हुआ, क्या केजरीवाल इस बार फिर से चुनाव में जाएंगे तो वही 60 से ऊपर अपने आप को रख पाएंगे, या इस बार कुछ 5-10 सीटों का और नुकसान होगा, थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर पाएगी, क्या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन होगा, ये तमाम सारे सवाल है जिन पर वक्त धीरे धीरे पर्दा जो है वो हटाएगा। और क्या केजरीवाल, उनका ये फैसला सही साबित होगा या जिस तरीके से ब्लंडर साबित हुआ नीतीश कुमार के लिए, ब्लंडर साबित हुआ झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए, क्या उसी तरीके से होगा, बड़ा सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।